सो हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ एक 2015 मॉडल मारुति सुजुकी ओमनी। इसमें फ्रेंड्स आपको टोटल फोर वेरिएंट्स मिल जाता था, 5 सीटर, 8 सीटर, एम्बुलेंस और कार्गो। और ये फ्रेंड्स आप 8 सीटर वेरिएंट देख रहे हैं, ठीक है, जो है टॉप सेलिंग वेरिएंट। और फ्रेंड्स ये जो ओमनी वैन है, ठीक है, ये मेनली कमर्शियल पर्पज़ के लिए यूज़ होता था, ठीक है। तो चलिए पहले फ्रंट लुक से स्टार्ट करते हैं। फ्रंट में फ्रेंड्स आपको मिलता है अ सिंगल चैम्बर कन्वेक्शनल हेडलैम्प्स, ठीक है, विद अ स्मॉल अ पायलट लैम्प, नॉन फंक्शनल फ्रंट ग्रिल। और आपको बीच में क्रोम फिनिश में मिलता है मारुति सुजुकी का लोगो, रफ ब्लैक फिनिश फ्रंट बम्पर विथ इंटीग्रेटेड टर्न सिग्नल्स। इसमें आफ्टर मार्केट फ्रंट बम्पर भी इंस्टॉल किया हुआ है, टर्न सिग्नल इन हैलोजन यूनिट। और इसमें आपको डुअल वाइपर सेटअप मिल जाता है, ठीक है, विथ अ सिंगल वॉशर। और ये है फ्रेंड्स ओवरऑल फ्रंट लुक ऑफ ओमनी वैन। तो फ्रंट से फ्रेंड्स लुक आपको सिंपल सोबर लुक मिलता है, ठीक है। तो चलिए अभी साइड लुक को भी एक बार पूरा एक्सप्लोर कर लेते हैं। तो ये है फ्रेंड्स साइड लुक ऑफ ओमनी वैन। साइड से फ्रेंड्स लुक सिंपल सोबर लुक आपको मिलता है, ठीक है। इसमें आपको फ्रंट में भी ड्रम ब्रेक्स दिया गया है और रियर में भी आपको ड्रम ब्रेक्स ही मिलता है। 12 इंच में आपको इसमें रेडियल ट्यूब टायर्स मिल जाता है, ठीक है। इसमें आप एलॉयज और व्हील कैप भी इंस्टॉल करवा सकते हैं। नॉन बॉडी कलर्ड डोर ओपनिंग हैंडल। और इसमें आपको साइड में एक बॉडी ग्राफिक्स भी मिल जाता है, ठीक है। उसमें आपको ओमनी का स्टिकर मिलता है यहाँ पर, और फुल्ली मैनुअली एडजस्टेबल ORVMs, ठीक है, इन रफ ब्लैक फिनिश। और इसमें आपको रियर डोर ओपनिंग हैंडल आपको कुछ ऐसे टाइप में मिलता है। इसमें फ्रेंड्स रियर में स्लाइडिंग डोर्स मिल जाता है, ठीक है, अ फ्यूल फिलर कैप। और ये है फ्रेंड्स ओवरऑल साइड लुक ऑफ मारुति सुजुकी ओमनी। इसमें फ्रेंड्स सेकेंड रो का जो विंडो है, ठीक है, वो आपको स्लाइडिंग फंक्शन में दिया गया है। और यहाँ पर साइड टर्न इंडिकेटर इन ऑरेंज लेंस। और आपको नीचे यहाँ पर स्पेयर व्हील मिल जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स अभी देख लेते हैं रियर लुक ऑफ मारुति सुजुकी ओमनी। तो ये है फ्रेंड्स इसका रियर लुक। और फ्रेंड्स जो रियर का जो लुक है, ठीक है, वो भी आपको नॉर्मल लुक मिलता है रियर से, ठीक है। और यहाँ पर फ्रेंड्स आपको मिल जाता है रियर टेल लैम्प्स इन रेड लेंस, ओमनी ई का स्टिकर, नंबर प्लेट एप्लिक और रेयर बूट ओपन करने का लॉक। और आपको यहाँ पर अब मारुति सुजुकी का स्टिकर मिल जाता है। इसमें आपको रेयर में भी नॉन बॉडी कलर्ड में रेयर बम्पर्स मिल जाते हैं, ठीक है, विथ टू रिवर्स लाइट। और इसमें आपको यहाँ पर एग्जॉस्ट टेल पाइप दिया गया है। ऊपर में आपको एक हाई माउंटेड स्टॉप लाइट मिल जाता है इन हैलोजन यूनिट। और ये है फ्रेंड्स ओवरऑल रेयर लुक ऑफ मारुति सुजुकी ओमनी। तो चलिए फ्रेंड्स अभी एक बार इंटीरियर लुक को भी पूरा एक्सप्लोर कर लेते हैं। इसमें फ्रेंड्स आपको कुछ ऐसा एक मैनुअल की मिल जाता है, ठीक है, कोई भी सेंट्रल लॉकिंग का फंक्शन इसमें आपको नहीं मिलता। तो चलिए अभी कार को अनलॉक कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये है ड्राइवर साइड डोर पैड का लुक। इसमें आपको डुअल टोन में मिल जाता है ब्लैक एंड ब्लू कलर। और यहाँ पर फ्रेंड्स आपको मैनुअली डोर को लॉक और अनलॉक करना पड़ेगा, ठीक है। ग्रैब हैंडल मिल जाता है। और फ्रेंड्स आपको यहाँ पर मिलता है विंडो रोल अप और रोल डाउन के लिए और डोर ओपनिंग लीवर। ये है फ्रेंड्स ओमनी का डैशबोर्ड का लुक। इसमें आपको सिंगल टोन में डैशबोर्ड मिल जाता है, ठीक है। तो चलिए अब पहले इस वैन को ऑन कर लेते हैं। तो अभी फ्रेंड्स ये ऑन हो चुका है। इसमें आपको फ्रेंड्स कोई भी डिजिटल इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर का ऑप्शन नहीं मिलता। इसमें आपको एनालॉग इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर मिलता है। बीच में आपको स्पीडोमीटर मिलता है और साइड में इंजन टेम्परेचर। यहाँ पर आपको ब्लोअर्स से कंट्रोल मिल जाता है। और आप यहाँ पर म्यूजिक सिस्टम इंस्टॉल करवा सकते हो। 4-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन इसमें आपको मिल जाता है। और यहाँ पर आपको मिलता है हैंड ब्रेक। और यहाँ पर एक लॉकेबल ग्लोव बॉक्स और ऊपर में आप कुछ सामान वगैरह रख सकते हो। रियर व्यू मिरर, ठीक है, फुल्ली मैनुअली एडजस्टेबल, सनशेड्स ड्राइवर एंड को ड्राइवर साइड। और इसमें फ्रेंड्स आपको अब
पावर स्टीयरिंग नहीं मिलता है, ठीक है, ये एक मैनुअल स्टीयरिंग है और हैज़र्ड लाइट के कंट्रोल्स, और यहाँ पर आपको फ्रंट हेडलैम्प्स के लेवलर मिलता है, और नीचे 3 पेडल, एक्सेलरेटर, ब्रेक एंड क्लच। और फ्रेंड्स इसका जो इंटीरियर है, ठीक है, वो आपको एकदम पूरा सिंपल सोबर मिलता है। और इसमें फ्रेंड्स आपको सिर्फ हॉर्न का स्विच मिलता है, ठीक है, स्टीयरिंग व्हील में। इसमें आपको कोई भी इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर को कंट्रोल करने का स्विच नहीं मिलता। तो चलिए फ्रेंड्स अभी एक बार सीट्स को देख लेते हैं। इसमें आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट के साथ सीट्स मिल जाए, और एक बार सेकेंड रो डोर को ऑन करके, मतलब सॉरी ओपन करके देख लेते हैं। इसमें आपको फ्रंट फेसिंग सीट्स मिल जाता है, ठीक है, और ये सीट्स फ्रेंड्स काफ़ी कंफर्टेबल सीट्स हैं। ये आपको लेग स्पेस यहाँ पर काफ़ी बढ़िया मिल जाता है, और अंडर थाई सपोर्ट भी आपको काफ़ी बढ़िया दिया गया है, और हेडरूम भी इसमें आपको काफ़ी बढ़िया मिल जाता है। रियर में भी आपको फ्रेंड्स डुअल टोन थीम के साथ डोर पैड मिलता है, रूफ आप देख सकते हो। और ये है फ्रेंड्स रियर से फ्रंट डैशबोर्ड का लुक। तो और फ्रेंड्स ये है ओवरऑल इंटीरियर का लुक, को ड्राइवर साइड डोर पैड का लुक सेम एज द फ्रंट। तो चलिए फ्रेंड्स अभी बात करते हैं ओमनी के इंजन स्पेसिफिकेशंस के बारे में। इसमें फ्रेंड्स आपको मिल जाता है, और फ्रेंड्स इसमें आपको इनलाइन 2 सिलेंडर 800 cc पेट्रोल इंजन इसमें आपको मिलता है, ठीक है। इसमें 34 bhp का पावर और 59 Nm का टॉर्क, और काफ़ी बढ़िया माइलेज भी ये आपको निकाल के देता है। So friends, if you like this video, then please subscribe my YouTube channel, like, share and comments. Thank you.